डियर स्टूडेंट्स, चलिए स्टार्ट करते हैं हम क्लास 10th के लिए सब्जेक्ट साइंस को पढ़ना। जैसा कि आप जानते हैं, हम लोग साइंस में मानव नेत्र और रंग बिरंगा संसार को पढ़ रहे हैं, जो कि एक फिजिक्स का चैप्टर है। चलिए हम आज एक न्यू टॉपिक्स को सिर्फ शुरू करते हैं। पिछले दिन हम लोग पढ़े थे कि स्पेक्ट्रम क्या होता है, वर्णपट भी उसको बोलते हैं, प्रकाश का वर्ण विक्षेपण किसको कहते हैं, राइट, प्रिज्म क्या होता है, उससे सात रंग कौन कौन सा निकलते हैं, किसका तरंग दैर्ध्य ज़्यादा होता है, किसका तरंग दैर्ध्य कम होता है, इस मैटर पे हम लोगों ने पढ़ा था, बात किया था। चलिए आज हम लोग टॉपिक्स बनाएंगे, वायुमंडलीय अपवर्तन के बारे में पढ़ेंगे। वायुमंडलीय अपवर्तन, ये हम लोग टॉपिक्स बनाएंगे। अब ये वायुमंडलीय अपवर्तन क्या है? तो अपवर्तन का तो मतलब जानते ही हैं कि जब एक माध्यम से दूसरी माध्यम में अगर प्रकाश की किरणें चली जाए तब हम उसको अपवर्तन कहते हैं। और एक होता है परावर्तन। परावर्तन का मतलब एक माध्यम से जिस माध्यम से अगर प्रकाश की किरणें निकली, पुनः टकराकर अपने ही माध्यम में अगर प्रकाश की किरणें लौट आती है तब हम उसको प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। ठीक है, तो कुल मिलाकर अगर बात किया जाए तो प्रकाश का अपवर्तन का मतलब कौन सी होता है? तो अपवर्तन का मतलब होता है कि एक माध्यम से अगर दूसरे माध्यम में प्रकाश की किरणें चली जाती है तब हम उसको अपवर्तन कहते हैं। तब उसको क्या कहते हैं? अपवर्तन। ठीक है, तो याद रहे हम लोग यहाँ पे लिखे हैं वायुमंडलीय अपवर्तन। वायुमंडलीय अपवर्तन का मतलब क्या? वायुमंडल का मतलब पूरा हमारा मंडल, जहाँ पे हम लोग रहते हैं उसके ऊपर वाले मंडल को वायुमंडल, और उसमें भी अपवर्तन होता है। आप जानते होंगे कि हमारे वायुमंडल में गर्म हवाएं भी होती है, ठंडी हवाएं भी होती है। तो आपको जानना चाहिए कि गर्म हवा की तुलना में गर्म हवा जो है ठंडी हवा की तुलना में हल्का होता है। यानी एक तरफ गर्म हवा है और दूसरी तरफ ठंडी हवा है। हमारे वातावरण में दोनों तरह की हवाएं होती है, गर्म हवा और ठंडी हवा। आपको पता होना चाहिए कि ठंडी हवा की अपेक्षा गर्म हवा क्या होती है? हल्की होती है। और ठंडी हवा क्या होती है? भारी होती है। याद रखिएगा, यही कारण है कि कभी आप मोमबत्ती को जलाए होंगे, ठीक है, मोमबत्ती को जलाए होंगे तो इसके आसपास वाले स्थान क्या होते हैं? गर्म होते हैं। और इसीलिए इसका भाप जो है ऊपर की ओर उठता है। इसका जो प्रकाश है, यहाँ वाला तो गर्म हवा हो गया ना, उसके पास वाला, इसीलिए यहाँ ऊपर की ओर ऐसे ऐसे लौ निकलता है ऊपर की ओर। क्यों? क्योंकि गर्म हवा जो है हल्का है, वो ऊपर जाना चाहता है। इसीलिए याद रखिएगा कि गर्म हवा जो है ठंडा हवा के अपेक्षा हल्का होता है। क्लियर? तो चलिए इस पॉइंट्स को लिखेंगे। तो सबसे पहले वायुमंडलीय अपवर्तन में फर्स्ट एरो देकर लिखेंगे, हम जानते हैं कि गर्म वायु कौमा ठंडी वायु की तुलना में हल्की होती है। तथा इसका अपवर्तनांक ठंडी वायु के अपेक्षा थोड़ा कम होता है। याद रखिएगा, हम लोग अभी देखिए कि गर्म वायु का जो ठंडी गर्म हवा जो होता है वो ठंडी वायु की अपेक्षा में हल्का होता है। और दूसरी तरफ कि अगर अपवर्तनांक का बात करें तो गर्म हवा जो है ठंडी हवा से थोड़ा सा इसका अपवर्तनांक कम होता है। ठीक है, इसका ज़्यादा होता है, इसका कम होता है अपवर्तनांक। तो ये बातें आपको बिल्कुल याद रखना चाहिए, क्योंकि वायुमंडल अपवर्तन में इसका बहुत अहम रोल है। क्योंकि कुल मिलाकर अभी आप किसी भी चीज़ को देखते हैं, खास करके गर्मी के दिनों में, तो आपको ऐसा लगता होगा कि कहीं पूरा एकदम भाप जैसा झिलमिल झिलमिल हो रहा है। वो तो झिलमिल क्यों दिखता है बीच में? इसलिए दिखता है क्योंकि
ठंडी हवा और गर्म हवा दोनों होते हैं हमारे वायुमंडल में, और गर्मी के दिनों में जो धरती से सटे हुए वायु होते हैं, हवा होते हैं, वो ज़्यादा गर्म हो जाते हैं और वो ऊपर जाना चाहते हैं, इसलिए हम लोगों को ज़्यादा गर्मी वाले दिनों में झिलमिलाल झिलमिलार झिलमिलदार जिसको बोलते हैं, झिलमिल जैसा दिखाई देता है। तो फिर नेक्स्ट आरो देंगे, लिखेंगे वायुमंडलीय अपवर्तन के कारण, वायुमंडल अपवर्तन के कारण निम्नलिखित घटनाएं होती है, निम्नलिखित घटनाएं होती है, वायुमंडलीय अपवर्तन के कारण निम्नलिखित घटनाएं होती है। नंबर वन, तारों का टिमटिमाना, तारों का टिमटिमाना। दूसरा दूसरा अग्रिम सूर्योदय तथा विलंबित सूर्यास्त। पहला क्या है? तारों का टिमटिमाना, और दूसरा क्या है? अग्रिम सूर्योदय तथा विलंबित सूर्यास्त। ठीक है, तो याद रखिएगा, वायुमंडलीय जो वायुमंडल अप में अपवर्तन होता है उसके कारण कौन कौन सी घटना होती है। तो याद रखियो कि आप रात में देखते होंगे कि तारे टिमटिमाते हैं, कोई तारा जो है ज़्यादा चमकदार दिखता है, कोई थोड़ा सा धुंधला दिखता है, किसी में लाइट कम होता है ना। और आपको जानना चाहिए कि तारे का अपना प्रकाश नहीं होते हैं, तारे जो चमकते हैं वो सूर्य के प्रकाश से चमकते हैं, और ये बहुत आश्चर्य करने वाला बात है। और ये भी आपको जानना चाहिए कि तारे जो हैं सूर्य से और काफ़ी दूर है, ठीक है, यानी कि हमारे यहाँ से सूर्य जितना दूर है उससे और ज़्यादा दूरी पे है तारे, बिल्कुल। तो याद रखिएगा कि वायुमंडलीय अपवर्तन के कारण क्या क्या होता है, तो तारे टिमटिमाते हैं, और अग्रिम सूर्योदय का मतलब सूर्योदय होने से पहले ही हम लोगों को सूर्य नजर आने लगता है, इसीलिए इसको अग्रिम सूर्योदय कहते हैं। विलंबित सूर्यास्त, विलंबित का मतलब सूर्यास्त होने के बाद भी हमको सूर्य जो है दिखता है, ये रियलिटी है, यानी कि सूर्यास्त तो हो गया लेकिन फिर भी हम लोगों को सूर्य दिखता है, इसलिए इसको कहते हैं विलंबित सूर्यास्त। और सूर्य का उदय होने से पहले, सूर्य को निकलने से पहले हम लोगों को सूर्य दिखता है, और याद रखिएगा 2 से 4 मिनट का अंतर होता है ना। तो कुल मिलाकर ये किसके वजह से होता है? वायुमंडलीय अपवर्तन के कारण होता है। अब जब 12th क्लास में पढ़ेंगे तो इसके कारण मृच्छिका भी होता है। मृच्छिका मतलब रेगिस्तान में आप जाइएगा तो वहाँ पे बालू ही बालू नज़र आएगा, और वायुमंडलीय अपवर्तन के कारण आपको लगेगा कि पूरा रेगिस्तान में ना एक जगह पे पूरा तालाब का ढेर है, उसमें पानी वगैरह है, ऐसा दिखेगा आपको। आप वहाँ जाइएगा तो फिर पता चलेगा कि यहाँ नहीं है भाई, कुछ और आगे है। ऐसे ही करके आप आगे चलते जाइएगा, और इस तरीके से ये प्राकाशिक भ्रम भी कहा जाता है। तो वायुमंडलीय अपवर्तन के कारण कई घटना है, लेकिन 10th क्लास में 2 ही घटना पढ़ना है। एक है तारे का टिमटिमाना, ये सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। ये पूछता है कि भाई बताओ कि तारे टिमटिमाते क्यों हैं, आखिर तारे का टिमटिमाने का क्या कारण है। और दूसरा है कि अग्रिम सूर्योदय और विलंबित सूर्यास्त का कारण क्या है। तो ये उतना इम्पोर्टेंट बोर्ड्स के लिए नहीं है, लेकिन तारे का टिमटिमाना बहुत इम्पोर्टेंट है। तो चलिए अब हम लोग टॉपिक्स देते हैं, तारों का टिमटिमाना, तारों का टिमटिमाना, यानी कि तारे क्यों टिमटिमाते हैं, इसके पीछे का क्या लॉजिक है, ठीक है। तो तारे का टिमटिमाना में फर्स्ट एरो देकर लिखा जाए, वायुमंडलीय अपवर्तन के कारण, वायुमंडलीय अपवर्तन के कारण तारे तारे टिमटिमाते प्रतीत होते हैं, टिमटिमाते प्रतीत होते हैं। याद रखिएगा, तारे का टिमटिमाना किसके वजह से होता है? वायुमंडलीय अपवर्तन के वजह से, ठीक है। अच्छा, फिर हम लोग बात कर लेते हैं कि वायुमंडलीय जो अपवर्तन है,
तो अभी हम लोग देखे कि वायुमंडलीय अपवर्तन के कारण तो तारे टिमटिमाते ही हैं, लेकिन इसके पीछे और भी रीजन है, और भी कारण है। तो नेक्स्ट एरो लिखा जाए, फर्स्ट एरो भी देकर लिखे, नेक्स्ट एरो में लिखेंगे वायुमंडलीय अपवर्तन, वायुमंडलीय अपवर्तन उसी माध्यम में होता है, वायुमंडलीय अपवर्तन उसी माध्यम में होता है जिसका जिसका क्रमिक क्रमिक परिवर्ती, जिसका क्रमिक परिवर्ती अपवर्तनांक है, जिसका क्रमिक परिवर्ती अपवर्तनांक है, पूर्ण विराम, अतः तारे की आभासी स्थिति, अतः तारे की आभासी स्थिति उसकी वास्तविक स्थिति से, उसकी वास्तविक स्थिति से कुछ भिन्न प्राप्त होती है, वास्तविक स्थिति से कुछ कुछ भिन्न प्राप्त होती है, कुछ भिन्न प्राप्त होती है। भिन्न मतलब अलग होता है, ठीक है। आपको जानना चाहिए कि वायुमंडलीय अपवर्तन उसी माध्यम में होता है जहां पे उसका अपवर्तनांक जो है बदल रहा होता है। अब ये अपवर्तनांक बदलता क्यों है? क्योंकि हमारे वायुमंडल में, हमारा वायुमंडल में जो कभी वायु हैं स्थिर नहीं रहते हैं। ये एक बात जान लो आप कि हमारे वायुमंडल में वायु जो है, हवा जो है, कभी भी स्थिर नहीं होते हैं, वो हमेशा गति में होते हैं, ठीक है। ऊपर नीचे इधर उधर घूमते रहते हैं हमारे वायु के कण। इसलिए होता क्या है कि अपवर्तनांक में परिवर्तित होने लगता है। अपवर्तनांक जब परिवर्तित होने लगता है तो वायुमंडलीय भी क्या होता है, अपवर्तन होने लगता है। ये इसी कारण तारे का जो आभासी स्थिति है वास्तविक स्थिति से कुछ अलग दिखाई पड़ने लगता है। यानी कि है तारा यहाँ और दिखेगा यहाँ। अब ये बहुत अजीब बात है भाई। यानी कि इसी को कहते हैं वास्तविक स्थिति और आभासी स्थिति। जैसे हम फिगर बनाना चाहें तो मान लिया कि स्टार यहाँ है, ठीक है, और स्टार रियल, इसको हम बोलेंगे कि तारे का वास्तविक स्थिति। वास्तविक का मतलब सचमुच यहाँ है, वास्तविक स्थिति, यहाँ तारे सच में है। लेकिन जब हम इसको देख पाते हैं, ठीक है, जब हम इसको देख पाएंगे तो ये स्टार यहाँ नहीं दिखेगा, थोड़ा सा ऊपर नीचे दिखता है। देखिए ये जो हमको दिखाई देगा ये हम लोगों का तारे का, तारों का ये काल्पनिक स्थिति है, काल्पनिक या फिर आभासी इसको बोल सकते हैं, ठीक है, काल्पनिक या आभासी स्थिति बोल सकते हैं, लेकिन रियलिटी यही है। तो इससे जो है किरणें देख रहे हैं कैसे मुड़ रही है, ऐसे मुड़ जा रही है, और फिर यानी कि किरणें जो है यहाँ पे मुड़कर हमारी आंख पर पड़ रही है और हमारा आंख बिल्कुल इसको सीधा देख पाता है। यही कारण है कि ये हम लोगों को वास्तविक नहीं दिखाई देता। जो तारे हम देखते हैं वो एक तरह का काल्पनिक है, रियलिटी को नहीं देख पाते। क्यों? क्योंकि यहाँ पे हो जा रहा है अपवर्तनांक में परिवर्तन हो जाता है, जिसके वजह से हम बोल सकते हैं कि उसका वास्तविक स्थिति जो है और काल्पनिक स्थिति दोनों में अलग-अलग भिन्नता हो जाती है, ठीक है। ये बातें आपको पता होना चाहिए कि तारे जो हैं वास्तविक स्थिति और काल्पनिक स्थिति दोनों में क्या हो जाती है, भिन्न हो जाती है, अलग अलग हो जाती है, ठीक है। तो आप चाहें तो ये फिगर को आप नीचे ड्रॉ कर दीजिएगा कि तारे जो हैं वास्तविक स्थिति को हम नहीं देख पाते, ये हमारा नेत्र है, आँख है, ये हमको सीधा दिखता है, ठीक है। चलिए फिर हम लोग बात करें नेक्स्ट एरो का। तो नेक्स्ट एरो करके लिखेंगे तारे की आभासी स्थिति,
तारे की आभासी स्थिति अस्थाई न होकर, तारे की आभासी स्थिति अस्थाई न होकर धीरे 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 बदलती रहती है, धीरे धीरे बदलती रहती है, क्योंकि क्योंकि पृथ्वी का वायुमंडल की भौतिक अवस्था अस्थाई नहीं है, अस्थाई नहीं है। जी हाँ, याद रखिएगा आप, ऐसा इसलिए होता है क्योंकि कभी भी पृथ्वी का जो वायुमंडल है वो कभी भी अस्थाई नहीं है, वो हमेशा गतिमान है। तो जब गतिमान रहता है तो इसके वजह से हम बोल सकते हैं कि तारे क्या हो जाती है, अपनी आभासी स्थिति से धीरे धीरे बदलती रहती है। तो ये भी एक कारण है। ठीक है, फिर नेक्स्ट एरो देंगे, लिखेंगे नेक्स्ट एरो देकर, चूंकि तारे बहुत दूर हैं कॉमा, चूंकि तारे बहुत दूर हैं कॉमा, तारों से आने वाली प्रकाश किरणें, तारे से आने वाली प्रकाश किरणों का पथ माने रास्ता, प्रकाश किरणों का पथ थोड़ा 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 परिवर्तित होता रहता है, थोड़ा थोड़ा परिवर्तित होता रहता है, अतः अतः आँख में प्रवेश करने वाले तारा, आँख में प्रवेश करने वाले तारे की प्रकाश की मात्रा, प्रकाश की मात्रा झिलमिलाती रहती है, झिलमिलाती रहती है, जिसके कारण, जिसके कारण, जिसके कारण कोई तारा कभी कभी चमकीला प्रतीत होता है, जिसके कारण कोई तारा कभी कभी चमकीला प्रतीत होता है। जी हाँ बिल्कुल, अभी जो पॉइंट्स लिखे हैं ना, तो याद रखिएगा कि हमारा तारा जो है पृथ्वी से बहुत दूर है, इसलिए जो तारे से निकलने वाले जो प्रकाश की किरणें हैं, ठीक है, जो तारे से निकलने वाले जो प्रकाश की किरणें हैं, एक्चुअली वो उनका जो पथ है, रास्ता है, वो थोड़ा थोड़ा क्या हो जाता है, चेंज हो जाता है। ठीक है, और इसीलिए पथ जो है वर्काकार हो जाता है, टेढ़ा हो जाता है। जैसे आप डायग्राम बनाए ना, यहाँ पे देखिए, ये वास्तविक तारा था, तारे बहुत दूर होने के कारण यहाँ पे वायुमंडलीय अपवर्तन है, यानी कि वायुमंडल में जो हवा है वो घूमने के वजह से, घूमने के कारण इनके जो किरणें हैं वो तिरछी हमारे आंखों पे पड़ती है और हमारी आंख इनको सीधा देख लेता है, इसलिए हम इसको आभासी यानी कि काल्पनिक कहते हैं, वो हम लोगों को रियलिटी नहीं दिखाई देता है अपने जगह पे, इसलिए क्या होता है, तारे झिलमिल झिलमिल झिलमिलाते नज़र आते हैं, इसी को हम लोग तारे का टिमटिमाना भी कहते हैं। और कभी कभी क्या होता है, जैसे मान लिया कि जिस एरिया से प्रकाश आ रहा है उसमें बिल्कुल कोई हवा ही नहीं हुआ ऑटोमेटिक, क्योंकि हवा हट रहा है आ रहा है, तो कभी कभी नहीं आ रहा है, कभी कभी आ रहा है, तो इसीलिए कोई कोई तारा हमको कभी उसमें कभी लाइट ज़्यादा दिखाई देता है, कभी लाइट कम दिखाई देता है, तो इसका वजह यही है। तो कुल मिलाकर तारे का टिमटिमाना हम लोग 4-5 पॉइंट्स किए हैं। अब आएगा कि सवाल, तारे का टिमटिमाने का क्या कारण है, तो इसमें से कुछ अपने से पॉइंट छाँट के अपने लैंग्वेज में लिख देना है कि चूंकि तारे बहुत दूर हैं और तारे से आने वाली प्रकाश की किरणों को वायुमंडल से गुजरना पड़ता है और वायुमंडल में गर्म हवा और ठंडी हवा दोनों होती है और दोनों में हमको पता है कि गर्म हवा का ठंडा हवा की अपेक्षा कम बोल सकते हैं कि उसका ये क्या बोलते हैं,
गर्म हवा का जो घनत्व बोल सकते हैं, या फिर बोल सकते हैं कि वजन में तो हल्की भी होती है, ठीक है। तो इसके वजह से वायुमंडल अपवर्तन होता है और फिर तारे टिमटिमाते नज़र आते हैं और कुछ कुछ तारे चमकीले भी दिखाई पड़ते हैं। तो ये हम लोगों को तारे का टिमटिमाना हम लोग पढ़ रहे थे। अगले दिन पढ़ेंगे कि अग्रिम सूर्योदय और विलंबित सूर्यास्त कैसे होते हैं। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही, तब तक के लिए धन्यवाद।